Hi everyone, assalamu alaikum, welcome back to my channel. Aaj hum banayenge vanilla sponge cake. Haan ji, bahut acha sponge cake banta hai, aapne zarur try karna hai. Uske liye jo hame cheeze chahiye, main ye do ando ka bana rahi hu. Agar aapne quantity zyada banani ho, char ando ka, sari cheeze aap upar niche kar le. Waise jo main aapko do ando ka bata rahi hu, bilkul aapne utni quantity hi use karni hai, koi cheez ki upar niche nahi karni, warna cake flat ho jana hai aapka. Uske liye ek bada mug maine plain flour ka le liya, isko chaan lena hai aur baking powder ka 1 teaspoon bhar ke dalna hai aur vanilla essence ka bhi 1 teaspoon भर के डालना है. और आप बटर यूज़ करें या ऑयल यूज़ करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो ऑयल भी यूज़ कर लेती हूँ तो अच्छा ही बनता है. इसका आधे कप से भी कम इसमें ऑयल जाएगा और शुगर आधा कप जाएगा. और शुगर जो है ना पिसी हुई हो तो बेहतर है, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती है. अंडों को देखे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिए कि जाग बन गई है. अब इसमें आधा कप मैं चीनी का डाल के अच्छी तरह से इसे फेंटूंगी. फिर मैंने इसमें आधे कप से भी नीचे आपने रखना है ऑयल का और इसको डाल के अच्छी तरह फेंटना है. फिर हमने वनीला एसेंस 1 टीस्पून डाल के और फिर इसमें बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डाल के अच्छी तरह से फेंट देना है. अब ये देखें मैंने इसको इतनी अच्छी तरह से, आप चाहें हैंड बीटर से फेंट लें, अगर नहीं है तो स्पून से भी काम चलता है. ज़रा ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ही काम करना चाहिए. ये देखें ये ऐसे ठीक सा पेस्ट बन गया. अब इसके अंदर मैंने ये जो प्लेन फ्लावर है, मैदा जो है, आस्ता आस्ता करके मैंने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालना है और ज़्यादा ज़ोर से उसको हैंड बीटर से भी बीट करने की ज़रूरत नहीं है. उसको सिर्फ आपने स्पून के साथ 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 फोल्ड करते जाना है, हल्का हल्का मिक्स करते जाना है. ज़्यादा हमने मिक्स नहीं करना है वरना ये जो है ना केक फ्लैट हो जाता है. ये देखें बिल्कुल ऐसे ही बस आपने करना है कि बस ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए. ये देखें और मैं फ्लावर डाल रही हूँ. अब इसको फिर ऐसे ही करती रहूँगी, चम्मच के साथ मैं उसको फोल्ड करती रहूँगी. तो जब ये पूरा मिक्सचर ऐसे मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए पूरा, ये इस तरह की कुछ शक्ल आ रही है, देखिए थिक हो गया. अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध, बहुत दूध नहीं इस्तेमाल करना. अब आप देख लें ये मैं कितना दूध इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ये दूध इस्तेमाल किया है, लाइक 1 or 2 ounces के बराबर मैंने ये दूध इस्तेमाल किया. इसे मिक्स कर लेना है और जो सांचा आपने इस्तेमाल करना है उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से ऑयल या बटर और प्लेन फ्लावर डाल के उसको चारों तरफ भी अच्छी तरह से आप मेक श्योर कीजिएगा कि चारों तरफ से भी आप स्प्रेड करें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो जब केक बने उसको निकालने में. इस तरह बड़ा इजी केक बाहर निकला था. तो अब ये देखें ये केक का जो मिक्सचर है मैंने इसमें डाल लिया और ओवन मेरा पहले से गर्म था और उसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है. सबके ओवन अलग अलग होते हैं, आप खुद देख लीजिएगा. और मैंने इसको अबाउट 30 to 40 minutes में मेरा केक ये तैयार हो गया था. और केक की सबसे बड़ी ट्रिक ये है देखने के लिए कि ये केक तैयार है कि नहीं. ये देखिए इसके अंदर मैंने नाइफ़ या आप जो भी फोक भी डाल के देख सकते हैं, अगर क्लियर निकले तो आपका केक तैयार है. अगर वो उसके ऊपर नाइफ़ के ऊपर कुछ लगा हो इसका मतलब है कि वो केक अभी तैयार नहीं है, उसको अभी ओवन में रखना है. और आप ज़रूर ये केक ट्राई कीजिएगा. मैंने भी वैसे काफ़ी देर बाद बनाया है, लाइक 1.5 years के बाद. और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. अल्लाह हाफिज़. सी यू लेटर.